हाय गाइस, वेलकम बैक टू ए एस स्टडी ग्रुप। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कई स्टूडेंटों ने हमसे पूछा है कि नेवी और एयरफोर्स, इन दोनों में क्या अंतर है, कौन बेस्ट है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें एंड शेयर भी करें। और उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, तो देखते रहिए ये वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। एयरमैन और सेलर की पोस्ट दोनों एयरफोर्स और नेवी में कांस्टेबल की पोस्ट है और दोनों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टेक्निकल ब्रांच और नॉन टेक्निकल ब्रांच। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना और भारतीय नौसेना दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी नौसेना है। अब इनके वर्क एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि सेलर और एयरमैन को कैसा वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स में आपको पूरी तरह से फॉर्मली एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जहां आप खुद पर गर्व कर सकते हैं। टेक्निकल ब्रांच एक्स ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत सारे टेक्निकल वर्क करने होंगे, जबकि नॉन टेक्निकल वाई ग्रुप में आपको कई पार्ट्स जैसे एयरपोर्ट पुलिस, सिक्योरिटी, म्यूजिशियन, मेडिकल असिस्टेंट के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। जबकि भारतीय नौसेना में वर्क एनवायरनमेंट की बात करते हैं, यहाँ आपको अगर आपको समुद्र और बड़े बड़े शिप से प्यार है तो इंडियन नेवी आपके लिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसा ही नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। आर्टिफिशियर अप्रेंटिस से ज्वाइन करने के बाद आपको कई टेक्निकल ब्रांचेस में काम करने का मौका मिलेगा, जबकि सीनियर सेकेंडरी ग्रेड्स में आप नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में काम करेंगे। इस तरह से नेवी में आपको पूरी तरह से फॉर्मली वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा जहां आप अपने आप पर गर्व कर सकेंगे। जहाज समुद्र के बीच में आपको रोमांचकारी जीवन का अनुभव होगा। अब भारतीय वायुसेना और नौसेना की पे एंड पर्स पर बात करते हैं। अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस में करियर बनाने जा रहे हैं तो आपको पे एंड पर्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन एयरफोर्स में ऑफिशियली एयरमैन को 33,000 से 35,000 तक सैलरी मिलती है एक्स ग्रुप में। इसके अतिरिक्त उनको बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, जो कि एक्स ग्रुप में टोटल सैलरी 40,000+ हो जाती है, जबकि वाई ग्रुप में 35,000+ हो जाती है। जबकि इंडियन नेवी सेलर्स को पे बैंड 52,000 से 20,000 में रखा जाता है, जहाँ इनकी सैलरी 21,000 से 69,000 के सैलरी बेस पर होती है। आर्टिफिशियर अप्रेंटिस को उस हिसाब से ज़्यादा मिलती है। अब कैरियर प्रोग्रेशन की बात करते हैं। इंडियन एयरफोर्स में कैरियर प्रोग्रेशन आपका बहुत ही NCO और JCO तक हो जाता है, जहाँ पर आप एयरक्राफ्ट मैन के बाद आप लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन, कारपोरल, फिर सार्जेंट, फिर वारंट ऑफिसर तक प्रमोशन पा सकते हैं और यहाँ आप नॉन कमीशनड ऑफिसर तक जाने का आपके पास मौका रहता है। जबकि भारतीय नौसेना में डबल ए फर्स्ट से सी मैन फोर तक प्रमोशन होने के बाद आप नॉन कमीशनड ऑफिसर और चीफ पेटी ऑफिसर और मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर तक प्रमोट हो सकते हैं, जहाँ आपकी सैलरी लाखों में होती है। अब फैसिलिटीज़ की बात करते हैं भारतीय वायुसेना और नौसेना में। भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं। इनमें आपको आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ टाइम पेंशन सबसे बड़ी फैसिलिटी है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी फैसिलिटी है आपकी फैमिली को लाइफ टाइम मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। ऑन ड्यूटी हो या आफ्टर रिटायरमेंट, आपको पूरे टाइम कैंटीन की फैसिलिटी भी दी जाती है। नेवी और एयरफोर्स दोनों में एयरमैन व सेलर को 1 साल में 90 दिनों की छुट्टी भी मिलती है। इसके अतिरिक्त उन्हें और बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं। उनको आगे एजुकेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर वो स्पोर्ट्स में रुचि लेते हैं तो उनको वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। भारतीय वायुसेना और नौसेना में ज्वाइन होने के बाद आपको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी और दोनों में ही आपको 20 साल का फर्स्ट एंगेजमेंट दिया जाता है, नेवी में भी और एयरफोर्स में भी। अब एडवेंचर एंड टूरिज्म की बात करते हैं।
इंडियन आर्म फोर्सेस की एडवेंचर एंड टूरिज्म की बात में कोई कमी नहीं है। इंडियन एयरफोर्स में आपको पूरे देश में स्थित एयरफोर्स बेस होटल में अपॉइंटमेंट मिलेगी, जबकि इंडियन नेवी में आपको हर पल रोमांच व एडवेंचर से भरा होगा। यहाँ समुद्र व जहाजों के बीच एडवेंचर्स के खूब मौके मिलेंगे। इंडियन नेवी में आपको टूरिज्म भी बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि हमारी नेवी के सिप अदर कंट्रीज के हार्बर्स तक सेलिंग करने के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ पर आपको भी जाने का मौका मिलता है और उसके लिए आपको अलग से सैलरी भी दी जाती है। तो इस तरह से नेवी और एयरफोर्स में एयरमैन और सेलर का जो करियर है पूरी तरह से एडवेंचर से फुल होता है। आपको भारत के साथ ही साथ देश विदेश में भी घूमने का मौका मिलता है। अब एयरफोर्स और नेवी के कुछ कॉमन फैक्ट्स पर बात करते हैं। फर्स्ट थिंग्स, दोनों की इंडियन आर्म फोर्सेस में कांस्टेबल की पोस्ट है, जिसे ज्वाइन करने के बाद आपकी लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल जाती है और आपकी जीवन शैली गौरवपूर्ण और सम्मानित बन जाती है। इसके साथ ही आपको अपने देश और मातृभूमि की सेवा करने का अवसर भी प्राप्त होता है। छोटी उम्र में ही आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं और इसके लिए आपको विशस्त्री प्रशिक्षण भी दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप में भी है देश सेवा का जज्बा तो ज्वाइन करिए इंडियन आर्म फोर्सेस को और पाएं एक सम्मानित और रोमांचकारी जीवन। एयरमैन और सेलर को ज्वाइन करने की क्राइटेरिया एक जैसी है, इसमें करियर बनाना बहुत कठिन नहीं, थोड़ी सी मेहनत और फिजिकल फिटनेस हासिल करके आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं और इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने भारतीय होने पर गर्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि हम भी इंडियन एयरफोर्स और नेवी की तैयारी में पूर्ण रूप से जुटे हैं। आप लोग भी लगे रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।